दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है डेली हेल्थ टिप्स पे। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी 2 मिनट में कैसे चमकाना है तांबे और पीतल के बर्तन। जी हाँ दोस्तों, भारत में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रसोई में कई तरह के बर्तनों का प्रयोग करते हैं, जिसमें स्टील, कांच, चीनी मिट्टी, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम के बर्तन शामिल हैं। अलग अलग तरह के बर्तनों को साफ करने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि तांबे के बर्तन में खाना खाने से हमारे शरीर से बीमारियां दूर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर इसके बर्तनों में पानी पिया जाए तो इससे हमारे शरीर को काफ़ी फायदा भी मिलता है। लेकिन तांबे और पीतल के बर्तन समय के साथ साथ काले पड़ने लगते हैं। अलग अलग तरह के बर्तनों को साफ करने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, इसीलिए उन्हें साफ करना ज़रूरी है। वैसे दोस्तों तांबे और पीतल के बर्तनों को चमकाने के लिए मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन हम महिलाएं हमेशा कुछ ना कुछ घरेलू उपाय ढूंढना ज़्यादा पसंद करती हैं, जो कि मार्केट के सामान से ज़्यादा अच्छे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा सस्ते भी होते हैं। इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिन्हें फॉलो करके आप तांबे और पीतल के बर्तनों को आसानी से साफ कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी तांबे के बर्तन की सफाई के लिए कुछ टिप्स। सबसे पहला है सिरका और नमक का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, तांबे के बर्तन पर सिरका और नमक का घोल डालें और तब तक रगड़ते रहें जब तक कि उसमें से ग्रीस या फिर चिपचिपापन निकल ना जाए। दूसरा उपाय है नींबू। अगर आपके बर्तनों में दाग पड़ गए हो तो ऐसे में आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप नींबू के आधे स्लाइस को बर्तनों पर रगड़ें और फिर साफ पानी से बर्तनों को धो लें। तीसरा उपाय है सिरका और आटा। दोस्तों सबसे पहले कप या फिर कटोरी में सिरका और नमक मिलाइए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसमें आटा मिलाकर पेस्ट तैयार कीजिए। फिर इस पेस्ट से बर्तनों को रगड़िए और फिर 15 मिनट के बाद गर्म पानी से धो दीजिए। इससे आपके तांबे के बर्तन चमक जाएंगे। चौथा उपाय है बेकिंग सोडा। इन सब के अलावा आप बेकिंग सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, खाली बेकिंग सोडा लेकर तांबे के बर्तनों को धोइए। इससे आपके तांबे के बर्तनों में नई चमक आएगी। पांचवा है नींबू और नमक। तांबे के बर्तन को नींबू और नमक से धोने पर बर्तन चमक उठेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी पीतल के बर्तन की सफाई के लिए कुछ टिप्स। जी हाँ दोस्तों, पीतल के बर्तन साफ करने के लिए नींबू को आधा काट लीजिए और उस पर नमक छिड़क कर बर्तनों पर रगड़ने से वह चमकने लगते हैं। इससे जंग लगी चीज़ों को भी साफ किया जा सकता है। दोस्तों दूसरा उपाय है पीतल के फ्लावर पॉट, शोपीस आदि को साफ करने के लिए आप उसे इमली के पानी से भीगे हुए कपड़े से रगड़ दीजिए। इससे उसमें नई चमक आ जाएगी। तीसरा उपाय है टूथपेस्ट। दोस्तों कोई टूथपेस्ट चुनें, लेकिन टूथपेस्ट 100% जल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अपने पीतल का सामान साबुन के साथ धो लें और कागज़ या फिर तौली के साथ सुखा दें, यानी कि उसे अच्छे से पोंछ लें। फिर थोड़ा सा टूथपेस्ट एक नरम कपड़े पर लगाएं और उस टूथपेस्ट लगे कपड़े की मदद से पीतल के कोई भी आइटम पर अच्छे से रगड़ें। जब रगड़ना हो जाए तो कागज़ या फिर तौलिए या फिर मुलायम कपड़े के एक टुकड़े के साथ साफ और सूखा कर लें। चौथा उपाय है सिरका और आटा। दोस्तों इसके लिए आप 2 टेबलस्पून आटा, 2 टेबलस्पून पानी और 2 टेबलस्पून सिरका मिलाएं। अब इन सब चीज़ों को एक साथ मिलाने के बाद आप इसका एक गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। अब इस मिक्सचर की एक मोटी परत को पीतल के बर्तन पर लगा दें और दोस्तों इन बर्तनों पर लगे पेस्ट का सूखने तक का इंतज़ार करें। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके बर्तनों में लगे घने धब्बे और गंदगी साफ हो जाएगी। इसके बाद आप एक मुलायम कपड़े का एक टुकड़ा लीजिए और इसके सूखे परत को धीरे धीरे रगड़ते हुए निकाल दें। इसके बाद बर्तनों को साबुन से धो लें और तुरंत सुखा दें। पांचवा उपाय है टोमेटो केचप। दोस्तों पीतल के लिए प्राकृतिक क्लीनर है केचप। जी हाँ दोस्तों, टोमेटो केचप में मौजूद हल्के एसिड पीतल से गंदगी को हटा देता है।
इसके लिए आप मुलायम कपड़े पर केचप को डालकर उस कपड़े से पीतल के किसी भी आइटम को रगड़ें। अब उसे गर्म पानी से धोकर अच्छी तरह से सुखा लें। इसके अलावा आप पीतल के छोटे आइटम्स को टमाटर के रस में भिगाकर रख सकते हैं, इससे भी उसकी सफाई काफ़ी अच्छी तरह से हो जाएगी। इसके लिए आप उन्हें टमाटर के रस में डाल दीजिए और उन्हें 5 मिनट के लिए डालें। अगर वो ज़्यादा गंदे हैं तो आप उन्हें कुछ देर और भी रख सकते हैं। अच्छी तरह से भीग जाने के बाद गर्म पानी से धोकर और अच्छी तरह से सुखा लें। इस तरह से आपके बर्तन चमक जाएंगे। आपको और भी हेल्थ रिलेटेड और हेल्दी रिलेशनशिप टिप्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट mydailyhealthtips.in पर विजिट करिए। वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे बेनिफिशियल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू, बाय।